इस वीडियो में हम सीखेंगे लेजर्स को कैसे मैनेज करें, यानी कि कैसे ऐड करें, कैसे डिलीट करें और कैसे एडिट करें। लेजर्स को मैनेज करने के लिए हम मेन्यू से लेजर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस तरह का पेज दिखाई देगा। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, चार लेजर ऑलरेडी ऐड किए गए हैं। इन लेजर के आगे रेड क्रॉस मार्क लगा हुआ है। इसका मतलब यह है कि हम इन लेजर को चेंज और डिलीट नहीं कर सकते। यदि आप न्यू लेजर ऐड करना चाहते हैं तो इस ऐड लेजर बटन की हेल्प से कर सकते हैं। ऐड लेजर बटन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का पेज दिखाई देगा। इसमें दो तरह के ऑप्शन हैं, एक डार्क ब्लैक जो कि भरने जरूरी हैं और दूसरा लाइट ब्लैक जो ऑप्शन ऑप्शनल हैं। अब हम ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, लेजर का नाम भरेंगे। यदि डेबिट बैलेंस है तो डेबिट वाले कॉलम में भरेंगे, यदि लेजर का क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट वाले ऑप्शन में भरेंगे। इसी तरह हम अन्य ऑप्शन भी भर सकते हैं, जैसे एड्रेस, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट आदि। इसके बाद हम इन सबको सेव बटन की हेल्प से सेव कर सकते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, न्यू लेजर ऐड हो चुका है, ये यहाँ दिखाई दे रहा है। हम इसका नाम और रिमार्क दोनों चेंज कर सकते हैं। अब हम इसी तरह और लेजर को ऐड कर लेंगे। अब हमने ऐसे नए 6 लेजर ऐड कर लिए हैं। जिस लेजर को आप चेंज करना चाहते हैं उस रो में ब्लू लिंक को क्लिक करें। ब्लू लिंक को क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का पेज दिखाई देगा। यहाँ पर आप ग्रुप, लेजर, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस या अन्य कोई भी ऑप्शन चेंज कर सेव बटन की हेल्प से सेव कर दें। अब आप देखेंगे जो लेजर आपने सेलेक्ट किया था वो चेंज हो चुका है। जिस लेजर को आप डिलीट करना चाहते हैं उस रो में ब्लू लिंक को क्लिक करें। ब्लू लिंक को क्लिक करने के बाद आपको चेंज लेजर वाला पेज दिखाई देगा। इसमें डिलीट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपसे कंफर्मेशन मांगा जाएगा। यदि आप डिलीट करना चाहते हैं तो इस आई एम श्योर बटन पर क्लिक करें और नहीं तो नो टेक मी बैक बटन को क्लिक करें। और अब आप देखेंगे कि जो लेजर आपने सेलेक्ट किया था वो डिलीट हो चुका है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि आपने इस लेजर का कहीं और प्रयोग किया है तो आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। यदि आप सिंगल लेजर को प्रिंट या डिस्प्ले करना चाहते हैं तो इस डिस्प्ले प्रिंट बटन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह की रिपोर्ट दिखाई देगी। इस रिपोर्ट में जो सिंगल लेजर आपने सेलेक्ट किया है उसकी स्टेटमेंट दिखाई देगी। आप इस सिंगल लेजर रिपोर्ट को यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। अब यदि आप एक साथ सारे लेजर की लेजर लिस्ट देखना चाहते हैं तो आप इस लेजर लिस्ट बटन की हेल्प से देख सकते हैं। लेजर लिस्ट बटन पर क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस तरह की लिस्ट दिखाई देगी, जिसको हम यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। यदि आप इस लिस्ट को लेजर नेम पर शॉर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें तो आप देखेंगे कि ये लिस्ट अल्फाबेटिकली शॉर्ट हो चुकी है। इस पर दोबारा क्लिक करने से ये पहले जैसे ऑर्डर में आ जाएगी। इसी तरह हम ग्रुप इज चेंजेबल पर भी शॉर्ट कर सकते हैं।